हार की दिल्ली पर पहुंच चुकी थी गुजरात टाइटंस की टीम। उसके बाद राशिद खान की बल्लेबाजी ने चमत्कार करके रख दिया। धोनी की तरह बल्लेबाजी करते हुए एक हारते हुए मुकाबले में भी अपनी टीम को जीत दिला दी। इसके बाद खुद राशिद खान का बड़ा बयान सामने आया है। आकर जीत के बाद क्या कुछ कहा राशिद ने बताते हैं आपको पूरी खबर के बारे में। लेकिन अगर आप भी राशिद खान को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहले बल्लेबाजी करते हुए काफी ज्यादा आक्रामक खेल राजस्थान की टीम ने दिखाया और 196 रन बनाए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सबसे ज्यादा रन रियान पराग ने 48 गेंद में 76 रन ठोके। उसके बाद कप्तान संजू ने 38 गेंद में 68 रन बनाए। उसके जवाब में उत्तरी गुजरात की टीम की शुरुआत ठीक रही, 29 गेंद में 35 रन साई सुदर्शन ने बनाए। उसके बाद विकेट का सिलसिला शुरू हो गया। शुभमन गिल ने 44 गेंद में 72 रन बनाए, लेकिन अंत में मैच फंस गया था। तेज गेंद में 58 रन की जरूरत थी। राशिद खान और राहुल तेवतिया मैच को करीब लेकर आए। बता दें कि दोनों ने कुछ बड़े शॉट खेले और अंतिम ओवर में जीत के लिए 15 की जरूरत थी, लेकिन राशिद खान ने शानदार शॉट खेल मुकाबले को अंतिम गेंद तक पहुंचा दिया, जिसमें 2 रन जीत के लिए चाहिए। तो राशिद ने चौका लगाते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी। इसके बाद उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, यह मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक मोड पर था। जरूर ऐसी थी कि धोनी भाई के अंदाज में मैच को फिनिश करने की और मैं उन्हीं की तरह बल्लेबाजी करने की कोशिश करी और परिणाम मेरे पक्ष में भी रहा। उन्होंने कहा, भारत के कई अनुभवी खिलाड़ियों का योगदान रहा है जिसे काफी कुछ सीखा है। रोहित भाई, धोनी सर और विराट के अलावा हर एक भारतीय खिलाड़ियों के साथ संबंध काफी ज्यादा अच्छे हैं। काफी कुछ वह सीखते हैं क्योंकि वह क्रिकेट में हमसे ज्यादा बेहतर करने की काबिलियत रखते हैं। शायद उसका ही परिणाम है कि आज मैं भारत की धरती पर मैच को फिनिश किया, लेकिन इसके पीछे का असली कारण भारतीय खिलाड़ी ही है। इस तरह से राशिद खान ने अपनी बात कहीं, लेकिन आप सभी उनकी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।